देश भर में मॉनसून की दस्तक अब आफत बनने लगी है। सड़कें दरिया बन गई है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड शुरू हो गई है, नदियां अपना रौद्र रूप दिखाने शुरू कर चुकी हैं, महानगर समुद्र में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मॉनसून आया, बाढ़ लाया, असम और बिहार में बाढ़ जैसे हालात, उफान पर उत्तर भारत की नदियां। इस साल होगी औसत से ज्यादा बारिश। देश भर में मॉनसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने आफत मचा दी है। पहले लोग मॉनसून के आने का इंतजार कर रहे थे और अब यही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है और लोगों को डराने भी लगी है। देश के कई हिस्सों में हुई बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इम्फाल के एक क्षेत्रीय गोह गांव में तट टूटने से इलाके में 300 घर डूब गए। उत्तराखंड के देहरादून में लगातार बारिश के चलते कई सड़कें पानी में डूब गयी। हरियाणा के रोहतक में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जम्मू के पूंछ में लैंडस्लाइड के कारण जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। कल रात से बहुत ज्यादा पानी भरा है, इतना बढ़ गया है जो अभी हम लोग तो दुकान में भी घुस जाएगा। थोड़ा और बढ़ेगा तो हम लोग दुकान में घुस जाएगा, घर में भी घुस जाएगा, हम लोग को रास्ता में जाने पड़ेगा, ऐसा होगा। अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो बारिश तो लगातार बारिश हो ही रहा है, इतना दिन से, अभी तो 15 दिन से बारिश हो ही रहा है। और बारिश गिरेगा तो पानी तो ज्यादा बढ़ेगा तो हम लोग का घर में भी पानी घुस जाएगा, तो हम लोग को रोड में ही जाने पड़ता है। लगातार बारिश तो दे ही रहा है, कितना दिन से दे रहा है बारिश, अभी तो नदी का पानी भी बढ़ गया। बारिश ऐसे देते रहने से तो पूरा पानी ये सब डूब जाएगा ना, ये सब नीचे आ जाएगा पानी के नीचे। आपके दुकान भी है यहाँ? हाँ, दुकान भी है, दुकान डूब जाता है, ज्यादा बड़ा होने से दुकान भी पानी के नीचे जाता है। और आसपास के जो भी लोग हैं? आसपास का यहाँ का हम लोग का लोग है सो आपको रास्ता में रुकने पड़ता है, घर उर सब डूब जाता है, घर भी पानी। हाँ, घर में भी पानी हो जाता है। अभी तो लगातार बारिश हो रही है, अगर ज्यादा बारिश होंगे तो? हाँ, ऐसे तो लगातार देते रहने से बारिश और 2 दिन देने से तो पूरा डूब जाएगा, तो पानी ज्यादा ही बढ़ रहा है। असम में बाढ़ के चलते लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 29 जिलों के तकरीबन 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। तो वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में आई बाढ़ में अब तक कुल 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों को बाढ़ से बचाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 23 हॉग हिरण की जान बाढ़ में डूबने से गई, जबकि 15 हॉग हिरण की इलाज के दौरान मौत हुई। फिलहाल 20 जानवरों का इलाज चल रहा है, जबकि इलाज के बाद 31 जानवरों को छोड़ दिया गया है। 29 जिलों के 21.13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ से 42,476 हेक्टेयर फसल जलमग्न। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के पानी में डूबे 31 जानवर। सीएम शर्मा ने नाव से किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने देश के अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने का अनुमान जताया है। तो वहीं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, गोवा, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अब तक 212.6 मिलीमीटर बरसात। बिहार के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार। पटना में हर घंटे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का पानी।
मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 7 से 8 जुलाई से एक्टिव होगा स्ट्रॉन्ग सिस्टम। राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट। सीकर में लगातार बारिश से रेलवे ट्रैक डूबा, कॉलोनियों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट। लैंडस्लाइड से 81 सड़कें बंद। मंडी में 135% ज्यादा बारिश। पंजाब के 12 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राज्य में औसत 14.8 मिलीमीटर बरसात। बहरहाल मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मॉनसून ने कहर मचाया हुआ है, तो वहीं अब तबाही का मंजर भी सामने आने लगा है। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में ये बारिश और कितनी तबाही लेकर आती है और प्रशासन उस स्थिति से निपटने के लिए आखिर कितना तैयार है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।